बोतल कहाँ है भैया? बस कितना ले नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद से चल करके ग्राम पौतिया पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं बताता चलूं, आपका ग्राम पौतिया सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये आप जो मेरे पीछे ये पूरा इस समय आश्रम पे मौजूद हूँ, ये जो पूरी जगह आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी आश्रम के नाम से है। ये आज नहीं, लगभग ये 100-200 वर्ष पहले से यहाँ पे जो आश्रम रहा है। और जैसा कि आपने खबर देखी होगी जो बड़े चर्चों में है ये खबर की एक झरना है, झरने पे जो है लगातार पानी निकल रहा है, वो क्या कारण है अभी तक जो इसके कोई सुराग नहीं लगा पाया, कोई जानकारी नहीं कर पाया। एक गुफा है, गुफा से जो है लगातार पानी निकलने की खबर बड़ी वायरल हो रही है, जिसे लोग लेकर काफी जो है कई लोग तो आस्था के चलते वहां पर जो जाते हैं, पूजन भी करते हैं, और जो तरह तरह के चर्चाएं यहाँ पर जो क्षेत्र में फैली हुई हैं, आज उस सच्चाई को हम उजागर करने के लिए यहाँ पर जो आए हुए हैं। जैसा कि हमें जानकारी हुई थी कि यहाँ पे एक ध्यानी दास बाबा जी थे जो आज से लगभग 150 वर्ष पहले थे, तो आज हम उस आश्रम पे मौजूद हैं। इसी आश्रम में ध्यानी दास बाबा रहते थे। ये जो आप पूरा प्रांगण देख पा रहे हैं, काफी भक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो पुजारी जी, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ध्यानी दास बाबा जी की आज भी खड़ाऊ यहाँ पर रखी हुई है। क्या सच्चाई है ये हम भी नहीं जानते, और हमारी जैसे उम्र के काफी लोग नहीं जानते, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्हें अभी कहीं ना कहीं जो है इस चीज की जानकारी है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो इस आश्रम के पुजारी जी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे 40 साल होने जा रहा है, और यहाँ जो है मैं 40 साल से पूजा आरती पूजा कर रहा हूँ, और यही यहाँ की जो समाधि है, और समाधि की जानकारी जो बताया जा रहा है वही हम बता सकते हैं, और हम ज्यादा क्या बताएं। क्या क्या जानकारी है आपको? जानकारी कि जी हाँ, समाधि में जो है हर दूर दूर का आदमी आता है, पूजा करने आता है, उनकी मनोकामनाएं और सब कुछ सिद्ध होता है। आप 40 वर्षों से लगातार देख रहे हैं? और यहाँ जो है आज भी पूजा होती है और ये काम हो रहा है। चलिए, और भी गांव के हैं, बुजुर्ग है, लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? क्या जानकारी है यहाँ जो ध्यानी दास बाबा हैं, इन दोनों चर्चित हैं, क्या जानकारी आप? हमको ये जानकारी है कि बाबा के यहाँ आते हैं, पूजा पाठ जो मानते हैं तो वो पूरा होता है। यही हम देखते रहे हैं कि यही मतलब सब लोग आते जाते रहे। कभी आप ध्यानी दास बाबा जी से आप मिले हैं? आप उम्र काफी आपकी। हमको नहीं मिले। कैसे आप लोगों को जानकारी हुई, क्या आप लोगों को बताए लोग? लोग जैसे हमसे बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते रहे हैं कि यहीं बाबा रहते थे, ऐसी ऐसी बात होती थी, जैसे पानी ना होता था तो पानी बरसा दिया था, यही जानकारी है। चलिए, गांव के बुजुर्ग थे, जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने खुद नहीं देखा है, क्योंकि समय काफी हो गया है। इनके जो बुजुर्ग थे तो उनके द्वारा इन्हें जो जानकारी मिली थी कि काफी जो है तपस्या वगैरह वो करते थे, जैसे कि बारिश नहीं होती थी तो वो अपनी तपस्या करके जो किसी भी प्रकार से वो बारिश करवा देते, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और भी आगे चलते हैं, वहां भी जो है देखने का, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर जो है झरना चल रहा है वहां पर आखिर क्या है, और भी लोगों से आगे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अब मैं उस झरने के करीब पहुंच चुका हूं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पौथिया ग्राम पंचायत के ही अंतर्गत एक नदी के किनारे जो झरना था, उस झरने के करीब मैं आ चुका हूं। ये पीछे देख पा रहे होंगे, ये नदी है, बेतवा नदी, और इस नदी के किनारे हम लोग जो है अब उस झरने तक आपको ले जाने का प्रयास करते हैं, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आगे चलते हैं, किस तरीके से यहाँ से जो है लगातार देखा जा रहा है कि काफी श्रद्धालु यहाँ पर जो है, जो जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो लोग यहाँ पर जो है आने आते जाते देखे जा रहे हैं, और लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, और साथ में जो है गंगा जल लेकर के जो है घर की तरफ जाते देखे जाते हैं। और आगे चलते हैं, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, यहाँ की रास्ताएं देख लीजिए किस तरीके से, फिर भी लोगों की आस्था यहाँ पर जो जुड़ी हुई है, तो यहाँ लोग आ रहे हैं। देखिए, ये बुजुर्ग लोग हैं कुछ, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है। किस गांव से हैं आप? पौथिया। पौथिया से हैं। अच्छा, यहाँ पर झरना है, लगातार देखा जा रहा है, काफी तादाद में लोग आ जा रहे हैं, क्या आपका क्या मानना? बहुत दिन का है भाई साहब। कितने दिनों का? अरे बहुत साल का है। ऐसे ही लगातार झरना चलता है? बिल्कुल बराबर चलता है। बंद नहीं होता है झरना।
आपका क्या नाम है? सर गंगाराम, केवटरा का। तो ये झरना कितने दिनों से आप देख रहे हैं ऐसे चल रहा है? ये काफी दिन से चलता है, ये बहुत पुराने से चलता है सर। यहाँ लोगों को आप जानकारी हुई है, देखा जा रहा बहुत लंबी संख्या में लोग आ रहे हैं। हाँ सर, वो पुराना सर चलता रहा काफी दिन से। धारा ऐसे, धारा ऐसे बहती रही है ज्यादा? बिल्कुल, धारा पूछा से है बिल्कुल आखिरी। और भी आगे चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। और देखिए एक श्रद्धालु और हैं हमारे साथ में, और इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब हम आपको जो है वहीं पर ले जाने का प्रयास करते हैं। आपको जो है दिखाएंगे कहाँ से जो है ये धरना निकला हुआ है। यहाँ की रास्ताएं देख लीजिए, हम लोग जो है वहां तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। फिलहाल यहाँ की रास्ताएं जो है बहुत ही ज्यादा रिक्सी हैं। और हम लोग, भैया क्या नाम है आपका? राकेश सोनकर। आप कहाँ से हैं? पौतिया। पौतिया से हैं। ये कब जानकारी हुई आपको? ये कल जानकारी हुई भैया। तो आज झरना देखने आए? क्या देखा आपने? देख लिया है बस, जम्मू आने ही नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या क्या पाया आपने? कुछ नहीं भैया, जैसा सुना था वैसे ही पाया। क्या सुना था? यहाँ झरना निकला है बस। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, आप भी दर्शन करने आए? हाँ दर्शन करने आए। कहाँ से आए आप? रामबाग से। अच्छा, क्या पाया आपने यहाँ पे, आपने दर्शन किए? हमने ये देखा कि यहाँ पे वाकई जो बताया गया, हमने देखा जो बताया तो सत्य है, बिल्कुल सही है। ये जो गुफा है, ये गुफा हमने अपनी आंखों से देखी कि जो बहुत दूर तक है, इसका कोई पता नहीं कि कितनी दूर तक हो सकती है ये गुफा, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बड़ी ऊंचाई है। ऊंचाई होने के बाद में समतल जमीन है, ना कहीं से कोई ऐसी जगह है उस गुफा में जाने के लिए, ना आने के लिए। सिंगल इधर से ही इसका दरवाजा है गुफा में घुसने के लिए। जो हमने देखा वो बिल्कुल सही है, वास्तविक ये जल जो निकल रहा है, इसको ये हम नहीं पता लगा सकते कि कहाँ से निकल रहा है, ना हमें पता है ये। लेकिन आप लोगों को क्या जानकारी हुई थी, कैसा आपने सुना था, आप यहाँ तक आए हैं? हमको जानकारी अभी बैठे थे हम, तो हमको ये जानकारी हुई कि वहाँ पे पाताल गंगा के नाम से गंगा जी प्रकट हुई हैं। तो हमने जब सुना और देखा भी मोबाइल में, उसमें देखा, तो जब उसमें देखा तो हमको भी ये लगा कि बड़ा पेड़ से ये सब दिखाई दे रहा था, इस तरह जल निकल रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो हमने तुरंत गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा करके सीधे यहाँ चले आए, क्योंकि पास का जगह है। हमने कहा साक्षात देखें, इससे सच्चाई पता चले, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलत बात अफवाहें फैला अफवाहें होती हो जाती हैं ऐसी। तो हमने जो देखा वो बिल्कुल सत्य है, वही हम अभी देख रहे हैं। और तो क्या माना जाए, यहाँ कुछ आस्था जैसे लोगों की जुड़ी हुई है? ये स्वामी, हमने ये सुना है कि स्वामी ध्यानीदास जी बाबा जी की ये क्षेत्र की जगह है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की। वाकई उस समय उनकी एक बहुत बड़ी श्रेष्ठता थी स्वामी जी की, उनका हम बहुत वर्षों से नाम सुनते चले आए हैं अपने लखपन से। और आज हमें ये जानकारी हुई कि स्वामी जी इसी गुफा में कुछ समय 150 साल पहले तपस्या करते रहे। स्वामी जी यहाँ पे आकर के उन्होंने तपस्या की है, तो आज वाकई ये तपोस्थली स्थान हमको दिखाई दे रहा है, जो उनकी तपस्या का परिणाम है। और वो हम सब समाज के सामने, हमारे क्षेत्र की जनता के सामने वो दिखाई दे रहा है, आज स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो यहाँ पे किसी तरह के गलत तरीके से वो पानी निकाला जा सके, ऐसा कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है ये नदी का पानी ही आ रहा होगा, क्या इसी स्थिति से नजर आ रही है? हमको ऐसी स्थिति नजर नहीं, क्योंकि अब इधर से और उधर जमीन के नीचे नदी का पानी बहुत गहराई पे है। अब उसका इतने ऊपर आने का पानी कैसे, क्या व्यवस्था हो सकती है, ये तो प्रकृति समझ सकती है। ये पानी वो नदी का नहीं है, हमारे हिसाब से पानी नदी का नहीं, ये पानी और कहीं का है जो हम देख रहे हैं, ये पानी और कहीं का है। क्या है, कैसा है, ये भगवान की लीला है, स्वामी जी की महिमा है, ये स्वामी जी की महिमा हमें समझ में आ रही है। चलिए और भी आगे चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, हम उस झरने के पास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए और भी यहाँ पर जो है काफी भक्त लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बोतल कहाँ है भैया? बस कितना ले लीजिएगा, किस तरीके से लेके चल रहे हैं? चलिए 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 भैया। भैया रिक्स लग रहा है यार बहुत ज्यादा। नहीं बस थोड़ा सा। बाबा धनी बाबा की।
निकल लें। अरे कॉल करे हो ना तो पीसी जगह कैमरा नहीं चालू हो ड्रोन कैमरा लाओ कि ये चलो भूत मतलब भूत दे दे ये है भूत का आत्मा है हर के दरिया है हर हर महादेव जय मन ड्रोन कैमरा भूत दे रहा है। तो हम उस झरने के करीब आ चुके हैं। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा, सीधी तस्वीरें ये लाइव मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो झरना बहुत चर्चित था और इस झरने के करीब हम आ चुके हैं, यही वो रास्ता है। एक बार दिखा दीजिए, ये इस रास्ते से जो है बहुत सारे लोग देखिए अभी भी वहां इंतजार कर रहे हैं लोग। ये सारे लोग जो वहां से इसी रास्ते से जैसे पेड़ों के सहारे लटक करके इन्हीं रास्ते से जो आते हैं और ये वही झरना है। ये आप देख लीजिए, पूरा दिखा दीजिए, इस तरीके से जो है गुफा टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। ऊपर जो पूरी मिट्टी है और नीचे ये सुरंग टाइप की है और यहाँ पर जो है पूरा देख लीजिए किस तरीके से जो है इतनी मोटी जलधारा से यहाँ से जो है पानी आ रहा है। मैं और भी जो है अंदर चलने का दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहां तक पहुंच पाऊंगा कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो है लगातार अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए यहाँ पर जो है अंदर से बराबर किस तरीके से जो जलधारा ये निकली हुई है और बराबर यहाँ पर जो है पानी आता देखा जा रहा है। देख लीजिए नजदीक से दिखा दीजिए किस प्रकार से जो बिल्कुल ठंडा और स्वच्छ निर्मल यहाँ पर पानी जो है नजर आ रहा है। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल साफ पानी नजर आ रहा है, बिल्कुल गंगा जल के तरीके है। यही जो है सुबह से देखा जा रहा है कि लोगों की जो है आस्था के चलते यहाँ आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ जो है लगातार लोग आ रहे हैं। और वहीं देखा जाए जो है तो काफी ये देखिए मिट्टी है जो काफी छाट इसकी गिर चुकी है, लेकिन और भी हम जो है लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा बहुत जो है संख्या में ये लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो है ज्यादा अंदर तक नहीं गए क्योंकि यहाँ पर जो है मिट्टी के टीले हैं, उसमें ऐसी स्थिति है यहाँ पर जो है कि अंदर जाया नहीं जा सकता, जिसके चलते हम अंदर नहीं गए। लेकिन जो लोग हमारे साथ में इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम समीर खान है और हम सुबह आए थे देखने और हम इसका पानी 2 साल पहले हमने पिया है। हम लोग शिकार ये 2 वर्ष पहले से ऐसे ही चल रहा जाना है। ये तेज था या ऐसी थोड़ा धीमा भी था पहले, और ये तो हमारे दादा लोग बताते हैं बहुत पहले से है, लेकिन हमने इसका पानी 2 साल पहले पिया था। जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग शिकार करने आते थे नदी, तो सर में हमारा दर्द भी बहुत हो रहा था और लग रहा था बुखार भी है, तो जब हमने पानी पिया इसका तो हमको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी। दर्द आपका सही हो? दर्द सही हो गया और हमारा दिमाग भी हल्का हो गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जलधारा आ रही है ये औषधि युक्त पानी है, ये जो यहाँ से जो गंगा जल निकल रहा है। और इसका जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइव डेमो किया हुआ है इन्होंने, इनके जो सिर में दर्द था इन्होंने जो इसकी 2 घूंट ली और इससे सिर धुल लिया तो उसे जो है पूरी तरीके से सिर का दर्द खत्म हो गया और उसमें जो है अच्छा खासा रिलीफ मिला है। यही हाँ, बहुत हमको अच्छा लगा हमारे दिमाग को। और लेकिन आज सुबह जब मालूम चला तो हम खुद देखने आए भाई, उस दिन तो हमने नीचे से पानी पिया था। उस दिन आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि तो हमने नहीं देखा था ना, हमने घर में बताया भी था भाई। जब आज बात वो हुई तो हमने फिर लोगों से बोला और मेरे साथ में एक लोग और भी था, वो इधर समय पर नहीं है, लेकिन ये धानीराज बाबा का हमारे वो है, धानीराज बाबा इधर आते से हमने सुना है, देखा नहीं। बाकी पानी बहुत ठंडा है और अच्छा पानी है, लोग बोतल में भर कर भी ले जा रहे हैं इधर से। काफी रास्ता देख लीजिए यहाँ से लोग आ रहे हैं, कितना रिक्सी रास्ता है। इस पे कहीं ना कहीं जो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पूरा मिट्टी का टीला है, इसमें जो है इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो भी छोटे बच्चे लोग आते हैं तो उन लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो। जो भी यहाँ जिस तरीके देखा जा रहा है कि आस्था का केंद्र बना हुआ है, सुबह से जो है शाम तक लगातार यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। लोग जो है प्रसाद लेके आते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं धानीदास बाबा जी के नाम से। लोगों का मानना ऐसा है कि यहाँ जो धानीदास बाबा जो थे वो यहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे, वो महीनों महीनों बैठ के यहाँ तपस्या करते रहते थे, ऐसा मानना है लोगों का। और भी मित्र हमारे साथ में, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या भैया आपका? मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है। किस गांव से? पौंथिया से हूँ मैं। तो मेरे बाबा वगैरह बताते थे कि यहाँ पे धनी बाबा तपस्या करते थे, उन्हीं के कारण बस ये पानी निकल रहा है। वो अपने तपस्या में जैसे महीने हुए लीन हो जाते थे, और घर वाले भी बताते हैं जैसे कोई चोट रोग वोग हो, जैसे पेट में दर्द हो या कुछ वैसे थकान वगैरह और दस्त आना, तो आप ये पानी से स्नान कर लो तो सब सही हो जाते हैं, पी लीजिए, बहुत अच्छा पानी है। मैं तो अक्सर इधर पे नहाने आया करता था करीबन 10-15 सालों से। पानी तो बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हिमालय से आ रहा हो। हाँ, बहुत ठंडा है, आपको भी महसूस हो रहा होगा कितना ठंडा पानी है। हम लोग
पर ये पानी नहीं मालूम चलता है कहाँ से आ रहा है सर। आज तक ये जानकारी नहीं हो पाई कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। वो कितने दिन हो गए इसे निकलते हुए? ये करीबन 100 वर्ष से ऊपर हो गया। हाँ, क्योंकि मेरे बाबा करीबन 80 वर्ष के थे, वो हमको बताते थे, और करीबन 27-28 वर्ष का मैं हो चुका, तो मैंने करीबन 10-12 साल से कंटिन्यू तो मैं ही आ रहा था। हम लोग गर्मियों में जब छोटे थे तो होली में नहाने आते थे, कहीं कैसे आते थे नहाने। बहुत अच्छा पानी है, आप देखिए पानी की धार देखिए। बिल्कुल, यहाँ बाबा जो है बैठ के तपस्या करते थे, ऐसा लोगों का मानना है। क्या नाम है? शिमला। हाँ, आप यहाँ पे आई थी क्या, दर्शन करने आई हैं? हाँ, दर्शन करने आए थे। यहाँ लोग बोले थे कि गंगा जी निकली है तो इसीलिए हम दर्शन करने आए। हाँ, तो क्या पाया आपने? कुछ नहीं पाया, पानी बहता पाया हमने अंदर गए। हाँ, देखा, बात सही है, ये बात सही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? अब हमें क्या पता, अंदर जाके भाई जितना गए थे उतनी हिम्मत थी उतना गए थे, और तो बकाया बराबर पानी मिल रहा, पानी मिल रहा बकाया, अंदर ज़्यादा नहीं हम गए। बोतल कहाँ है भैया? ऐसे कितना ले लीजिएगा, किस तरीके से चल रहा है? जहाँ तक कभी मैं पहुँचा फिर आगे नहीं गया। जा रहा है।